पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सागर क्षेत्र में निकलने वाले राजमार्ग के लिए वार्ड क्रमांक 22 से गुजरने वाली रोड के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष के नाम आवेदन दिया। रहवासियों का कहना है कि जो फोर लाइन बनाई जा रही है उसके बीच में से नप्तीकर साइड में हाई टेंशन लाइट आने के कारण रोड को एक ही साइड बनाया जा रहा है, जिसके चलते कई लोगों के मकान टूट रहे हैं। लोगों के मकानों को बचाने और यहां से गुजरने वाली रोड का साइज थोड़ा कम किया जाए, इसी को लेकर नगरपालिका में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। ने जो नगरपालिका में आवेदन दिया, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर फोर लाइन निकल रहा है, रोड बन रहा है, विकास कार्य हो रहा है। हमारा विरोध, रहवासी का विरोध ये है कि इसको थोड़ी साइज कम करा जाए, जिसका मकान बच जाए। इन लोगों के मकान आ रहे हैं, उसमें 10 से 8 से 10 फीट पे मकान आ रहे हैं, इनके मकान बच जाएंगे। रोड की साइज थोड़ी अपने खंभे के धड़ से कर लेंगे, बिजली का जो खंभा है, हाई टेंशन लाइन है जो उद्योग में गई है, उसके धड़ से बना लेंगे तो थोड़ी समस्या इनकी दूर हो जाएगी, रहवासी उनको जो शांति हो जाएगी, उनका मकान बच जाएंगे। और विकास कार्य में हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि थोड़ा सा उसको कम करा जाए। आपका नाम? गोविंद परमार, पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, पीथमपुर सागर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।